अनंत वक्ता घर की बगिया में देखिए मूली कैसे लगाएं। स्वागत है आपका, मैं हूं पंकज उपाध्याय, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका अनंत वक्ता। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, घर के डाइनिंग टेबल तक इस मूली को प्लेट में कैसे ले आएं, उसके पहले की कवायद प्रवीण मिश्रा जी बता रहे हैं कि अपने छत पे कैसे मूली का सेटअप तैयार करें, वहां से उखाड़ें और उसको सलाद के रूप में प्रयोग करें। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, पुनः उपस्थित हो गया हूँ अनंत वक्ता चैनल पर और आज बातचीत चलेगी कि हमारे मूली किस तरह से ग्रो करें और कैसे हम मूली को एंजॉय करें। तो मूली लगाने की तकनीक है, इस तकनीक को आप बहुत आसानी से और ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। ज़्यादातर समय में क्या होता है कि मूली लोग स्प्रिंकल कर देते हैं, बीज बिखेर देते हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि हमारी मूली क्यों नहीं चल रही है। तो इसी दिशा में आज बात हो रही है कि मूली को कैसे लगाया जाए। तो मैं जानकारी ये दूंगा आपको कि मूली लगाने के लिए सबसे पहले तो आप मिट्टी मिक्स तैयार कीजिए, सॉयल मिक्स का 2.5 किलो का प्रपोर्शन के हिसाब से मैंने बताया हुआ सैंड का, उसी रेशियो में आप बना सकते हैं और ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती है हमारे ट्रेनिंग मॉडल में। तो फिर भी आज जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जैसे आपने मिट्टी मिक्स को तैयार किया, इसमें फिलअप कर लिया, तो आपको मूली को लगाने का जो तकनीक है वो ये है कि जो डिबलिंग प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग आप मूली लगाएंगे। डिबलिंग प्रोसेस ये होता है कि मूली का बीज जिस साइज़ का है उस साइज़ से 3 गुना आपको यहाँ पर एक उंगुल से अपना गड्ढा करना है और उसी में उस बीज को डालना है। बीज को डालने के बाद उसको कवरअप कर देना है। कवरअप करने के लिए आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या फिर कोकोपीट, दोनों में से कोई एक आइटम लेके उसके ऐसे मुंह को ढक दीजिए, बंद कर दीजिए और ऐसे ही आप अलग अलग 4-4 से 6-6 इंची के अंतराल पर रखिए, सेंटर में भी एक रखिए। इस तरह से देखिए हमने लगाया हुआ है, ऐसे आप लगा सकते हैं। मूली के बीज जो है वो 4 से 6 दिनों में उगाते हैं। जैसे उगाएंगे तो आपको क्या करना है, अलग से यहाँ पर मिट्टी चढ़ाना है। इस तरह से आप साइड साइड से उनको मिट्टी चढ़ा दीजिए, इस तरह से मिट्टी चढ़ा दीजिए, क्योंकि यदि आप मिट्टी ना चढ़ाएंगे तो ये गिरने लगेंगे और गिरने के बाद फिर आपकी मूली नीचे तक नहीं जाएगी, जड़ पर नहीं जाएगी। लगाने की तकनीक एक और है कि जब आप इसको डिबलिंग प्रोसेस कर देते हैं तो हल्का मॉइस्चर इसको मेंटेन करना है 10 से 15% तक। बहुत ज़्यादा फ्लड इरीगेशन नहीं करना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। जैसे आपने किया इसकी नमी बरकरार रहेगी और मूली के बीज आसानी से निकल जाएंगे। फिर जो मैंने अभी बताया था आपको कि ऐसे आपको मिट्टी चढ़ाना है, तो ये लगभग 4 से 7 दिन के बाद की ये प्रक्रिया आएगी। ऐसे आप मिट्टी चढ़ाइए और फिर पौधे की जब ग्रोथ आ जाएगी तो 15 दिन के बाद जो सॉयल मिक्स बनाया हुआ होता है, किसी भी पौधे को लगाने के लिए जो सॉयल मिक्स हम तैयार करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये तैयार करके आपको ऐसे करके स्प्रिंकल करना होगा 5%। ये सारी चीज़ें आज देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी ये शुरुआती तैयारी होती है। इसके बाद हम सेटअप छत पे या फिर आप जब तकनीकी रूप से समृद्ध होंगे तो आप अपने भी घर में कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें लेके हम उपस्थित होंगे छत के ऊपर से, फिर आपके बीच ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो आइए आप ये जानिए कि फिर से मूली को एक बार कैसे लगाते हैं ओवरऑल, तो इसकी पूरी बातचीत चलेगी। सबसे पहले इस तरह से आपको नीचे सूखे पत्ते लेने हैं, फिर सॉयल मिक्स आपको बनाना है। सॉयल मिक्स बनाने के लिए 10 किलो नॉर्मल सॉयल, 2.5 किलो कंपोस्ट, 2.5 किलो सैंड, 1 किलो नीम की खली और 1 किलो लेना है आपको पत्तों का खाद। साथ में आपको मिलाना है 20 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम काली मिर्च का पाउडर और 20 ग्राम चूना। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को देख कर आप कर सकते हैं। और इसके बाद आपको डिबलिंग प्रोसेस से मूली लगाना है। डिबलिंग प्रोसेस का मीनिंग ये होता है कि इसमें गड्ढे छोटे छोटे बनाने हैं, जिस साइज़ का बीज है उससे 3 गुना साइज ले लीजिए, उसमें बीज डालिए और ऐसे कवरअप कर दीजिए कंपोस्ट से, हल्का 15% तक मॉइस्चर डालिए और इसे वेट कर लीजिए। फिर आप देखेंगे कि जब ये मूली के पत्ते निकलने लगे हैं 4 से 6 दिन, 6 से 8 दिन के बाद आप इनको एक बारी इस तरह से मिट्टी चढ़ा दीजिए, फिर आपके मूली शानदार होने लगेंगे। और फिर आप 40 से 60 दिन के आसपास का एक टाइम होता है जिसमें मूली डेवलप हो जाती है। और यदि मिट्टी आपने सही से बनाया हुआ है, उसमें आपने रेता डाला हुआ है, उसमें सारी चीज़ें दिया हुआ है, तो आपकी मूली शानदार निकलेगी। तो इसी उम्मीद से कि आप लोग करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएंगे कि आप कितने सफल हो रहे हैं। तब तक हम इंतज़ार करते हैं और आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। थैंक यू वेरी मच, पुनः उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के साथ। शुक्रिया आप सभी का। आपने हमारे वीडियो को देखा, विश्वास है अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए अनंत वक्ता मीडिया के साथ।